बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास एट के स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने अपने पिछले लेक्चर्स की वीडियो में, लेक्चर नंबर 9 की वीडियो में हमने स्लैश इनवर्स सॉल्यूशंस को डिस्कस किया था, तो स्टूडेंट्स आए हम चलते हैं इसकी एक्सरसाइज की तरफ, जो एक्सरसाइज कुछ इस तरह से है। अब स्टूडेंट एक्सरसाइज में हमने सबसे पहले एमसीक्यूज करने हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करने हैं, जिसमें हमने टिक टिक करेक्ट ऑप्शंस के ऊपर टिक करना है। तो स्टूडेंट सबसे पहला मेरे पास एमसीक्यू इस तरह से आ रहा है, डिवाइड एंड कॉन्कर विल डिवाइड अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इनटू अ स्मॉलर प्रॉब्लम। हमने स्मॉल प्रॉब्लम के अंदर डिस्कस किया था कि डिवाइड एंड कॉन्कर विल कर करता है जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होती है। स्टूडेंट मैंने अपने लेक्चर्स में आप लोगों को ये समझाई भी थी, ये बात, जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होती है उसको किस में करते हैं, स्मॉल प्रॉब्लम में, यानी कि हमारी जो बड़ी प्रॉब्लम है लार्ज प्रॉब्लम को हम स्मॉल प्रॉब्लम में करते हैं या हम सब प्रॉब्लम में करते हैं, उसको डिवाइड कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम को। तो उसके बाद स्टूडेंट्स सेकंड एमसीक्यू में क्या कह रहे हैं, प्रॉब्लम एनालिसिस इज द प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस टू फिगर आउट टेस्ट फ्रॉम अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट। अब स्टूडेंट्स हमने याद होगा हमने 5 वीडियोस पढ़े थे कि इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास प्रॉब्लम क्या है, कब आई है, क्यों आई है, कैसे करना है और किस टाइम पर करना है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आप लोगों को 5 WS के स्टेप्स बड़े अच्छे तरीके से पता होंगे, लर्न होंगे व्हाट व्हेन वाले। और स्टूडेंट्स आए हम थर्ड एमसीक्यू की तरफ चलते हैं, वो कह रहा है कि वर्ड कैन बी रेफर टू दिस समथिंग। आप लोगों को पिछले लेक्चर की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वर्ड कैंडिडेट का मतलब क्या होता है, द वर्ड कैंडिडेट रेफर्स टू समथिंग अनप्लान। क्या होती है अनप्लान, यानी कभी हमारे पास कोई प्लानिंग नहीं होती, हमें अनप्लान फॉर्म के अंदर कोई चीज होती है वो क्या होती है, द कैंडिडेट सॉल्यूशन होती है, यानी कि द वर्ड कैंडिडेट का मतलब है यहां से रेफर हुआ। आगे उसके बाद स्टूडेंट्स एमसीक्यू नंबर 4 की तरफ चलते हैं, देयर आर डैश प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स। हमारे पास कितने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स हैं, हमारे पास 5 प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स हैं। स्टूडेंट्स हमारे पास कितने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स हैं, 5 है। उसके बाद स्टूडेंट हम 5वें एमसीक्यू की तरफ चलते हैं, सेकंड स्टेप इन प्रॉब्लम सॉल्विंग इज डैश अ प्रॉब्लम। क्या है प्लानिंग का प्रॉब्लम, क्या है कि हमें अपनी प्रॉब्लम के लिए क्या प्लानिंग क्या करनी है। तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स आप लोगों को ये एमसीक्यू समझ लग चुके होंगे, क्योंकि आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से इसकी हमने पीछे सारा मटेरियल पढ़ा है, हमने पूरी रीडिंग की है, तो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगे। तो आगे चलते हैं फिलिंग दी ब्लैंक्स की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है फिलिंग दी ब्लैंक्स। स्टूडेंट्स ये मैंने फिलिंग दी ब्लैंक्स के क्वेश्चन को राइट भी किया, मैंने इनके आंसर्स को लिखा सर, आप लोगों ने बुक सामने रखें, बुक का जो पेज नंबर है वो 6 है, आप लोग इसको सामने रखें और आप लोग मैं थोड़ा सा इंतजार कर लेता हूँ, विद इन 20 सेकेंड्स में आप लोग अपनी बुक को ओपन कर लें। लेकिन जब भी हम पढ़ने लगते हैं तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने बुक्स हमेशा सामने ही रखनी है, जब भी लेक्चर लेना है तो बुक सामने रखनी है, और कोशिश करें लेक्चर्स को मोबाइल पर ना देखें, किसी लैपटॉप या किसी बड़ी स्क्रीन पर देखें, ताकि आप लोगों को व्यू अच्छा मिले और वॉइस भी अच्छी मिले। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आप इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे होंगे, आप लोगों ने अपनी बुक्स को ओपन कर लिया होगा, क्योंकि हम फिलिंग दी ब्लैंक्स को अब डिस्कस करने लगे हैं। तो स्टूडेंट्स आए हम चलते हैं फिलिंग दी ब्लैंक्स की तरफ, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने बुक्स को ओपन कर लिया होगा। तो आज चलते हैं फिलिंग दी ब्लैंक्स की तरफ। अब फिलिंग दी ब्लैंक्स में क्या है, अ डैश प्रॉब्लम इज द वन दैट डजंट कंटेन डाउट्स। वो कह रहा है कौन सी प्रॉब्लम होती है, वेल डिफाइंड प्रॉब्लम, हमने अपना पढ़ा भी था रीडिंग में, वेल डिफाइंड प्रॉब्लम जो होती है इज द वन दैट डजंट कंटेन डाउट, यानी कि उसमें कोई डाउट नहीं होता वेल डिफाइंड प्रॉब्लम के अंदर, यानी कि अपनी प्रॉब्लम बिल्कुल एग्जैक्ट पता लग चुकी है इस चीज में ये प्रॉब्लम है। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ लग चुकी होगी, वी ट्राई टू डैश द अननोन इंफॉर्मेशन थ्रू अप्रोप्रिएट गैसेस, यानी कि क्या कह रहा है कि हमने वी ट्राई टू गैस द अननोन इंफॉर्मेशन, जहां भी आएगा गैस आएगा, हम गैस करते हैं अननोन इंफॉर्मेशन के बारे में। तो अब स्टूडेंट थर्ड स्टेप में क्या आ रहा है, इट इज इंपॉर्टेंट टू डैश द प्रॉब्लम बिफोर जंपिंग इन टू दी सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। दैट्स बात, हमें सबसे पहले बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि किसी भी प्रॉब्लम को समझना हो जाए कि हम जंप हो जाए, जंप करें उसके सोल्यूशन की तरफ। तो स्टूडेंट उसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। ओके स्टूडेंट्स,
उसके बाद मेरे पास फिलिंग दी ब्लैंक्स नंबर 4 में क्या आ रहा है, आफ्टर एनालाइजिंग अ प्रॉब्लम वी फॉर्मुलेट अ प्लान। वो कह रहा है स्टूडेंट्स कि जब हमने किसी भी प्रॉब्लम को एनालाइज करना होता है, एनालाइज करने से पहले हम क्या करते हैं, वी फॉर्मुलेट आफ्टर एनालाइजिंग अ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को एनालाइज करने के बाद हम क्या करते हैं, उसका तजिया करने के बाद हम क्या करते हैं, उसका प्लान फॉर्मुलेट करते हैं। क्या करते हैं, प्लान फॉर्मुलेट करते हैं, कब, आफ्टर एनालाइजिंग द प्रॉब्लम के बाद। उसके बाद स्टूडेंट्स अब पांचवी जो फिल इन द ब्लैंक है उसमें क्या कह रहा है, समटाइम्स वी फाइंड मोर देन वन सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम एंड सिलेक्ट द बेस्ट सॉल्यूशन, बेस्ट वन। अभी हमने अपने पिछले लेक्चर में पढ़ा, मैंने आप लोगों को बताया था सिलेक्ट द बेस्ट सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास स्टूडेंट डिफरेंट सॉल्यूशन आते हैं, लेकिन हमने सबसे बेस्ट सॉल्यूशन को फॉलो करना होता है। क्यों, दैट्स द बात, मैंने आप लोगों को इसके ऊपर काफी डिटेल में बताया था कि हमारे पास सॉल्यूशन तो बहुत कम में आते हैं, कि एक प्रॉब्लम को हल करने के बेशुमार तरीके होते हैं, लेकिन हमने देखना है कि बेस्ट सॉल्यूशंस कौन सा है। बेस्ट सॉल्यूशंस में क्या होगा, टाइम सेविंग होगी, आप लोगों के रिसोर्सेज कम होंगे, तो सारी चीजें कम यूज होंगी, तो उसके इसी वजह से हम क्या करते हैं, बेस्ट सॉल्यूशंस की तरफ जाते हैं। तो स्टूडेंट्स यहीं पे हमारे एमसीक्यूज और क्वेश्चन नंबर 2 जो है फिलिंग इन ब्लैंक्स को सॉल्व हो चुके हैं, और जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें हमने स्टूडेंट्स राइट डिटेल नोट ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एक्सप्लेन ऑल टाइप्स, हमने स्टूडेंट्स ये डिटेल में पढ़ा था पहला क्वेश्चन, राइट डिटेल नोट ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग, पहले लेक्चर्स की तरफ चले जाए मेरे। अब सेकंड क्वेश्चन में राइट अ डिटेल नोट ऑन हाउ टू डिफाइन अ प्रॉब्लम, हम कैसे भी प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं ये भी पढ़ लिया था। एक्सप्लेन ब्रीफली हाउ टू अंडरस्टैंड अ प्रॉब्लम, स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन नंबर 3 को भी बड़े अच्छे तरीके से पढ़ लिया था कि हम अपनी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कैसे करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में राइट अ डिटेल नोट ऑन प्लानिंग का सॉल्यूशन, हमने प्लानिंग का सॉल्यूशन को भी बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किया था। तो उसके बाद एक्सप्लेन ब्रीफली कैंडिडेट सॉल्यूशन, हां सॉल्यूशन, तो स्टूडेंट्स हमने कैंडिडेट सॉल्यूशंस को भी डिस्कस किया था, आप इसको इतना ही रखें। इसकी मैंने एक ही एग्जांपल दी थी, नहीं सॉरी दो दी थी, अब जो थर्ड एग्जांपल थी वो क्वेश्चन रहने दें, यानी कि कैंडिडेट सॉल्यूशंस को भी हमने डिस्कस कर लिया, और हाउ टू सेलेक्ट द बेस्ट सॉल्यूशन एक्सप्लेन ब्रीफली। स्टूडेंट्स याद होगा आप लोगों को कि हमने पीछे अभी कैंडिडेट सॉल्यूशंस को डिस्कस किया, कैंडिडेट सॉल्यूशंस के बाद उसका सेलेक्ट द बेस्ट सॉल्यूशंस भी आ गया जो हमने डिस्कस किया था। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूं तमाम के तमाम क्वेश्चंस आप लोगों ने लर्न भी कर लिए होंगे, लेकिन मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि कुछ बच्चों ने लर्निंग नहीं की होगी। तो स्टूडेंट्स मेरी उम्मीद को बरकरार रखिए, उसको समझिए और क्वेश्चंस की लर्निंग भी जरूर कीजिए। तो स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद करता हूं आप लोग बाद में ये क्वेश्चंस की लर्निंग लाजमी करेंगे, बाद से मुराद की इस लेक्चर को सुनने के बाद। तो स्टूडेंट्स मुझे मेरी इस वीडियो से इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।